श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी शाम के समय टाइम जो है मंत्र जाप करते होंगे या लड्डू गोपाल स्वरूप का पूजन करते होंगे। क्या शाम को भी पूजन करते हुए हमें किस तरह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? क्या स्नान करना आवश्यक है? किस स्वरूप में स्नान करना चाहिए ताकि पूजा पाठ का परिपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके? इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। खासतौर पर इन दिनों सर्दी में यह बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियाँ अपने चरम सीमा पर है और हम सभी अपने नियम के भी बंधे हुए होते हैं कि प्रभु आराधना में दीप इत्यादि हमें प्रज्वलित करना ही है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा समाधान हो जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और प्रभु भक्ति भी हमारी निरंतर रूप से चलती रहे। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से जानते होंगे, भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त हैं। तो आप सभी भी प्रभु भक्ति में खूब सुंदर भाव से चलते रहिए, करते रहिए, परंतु अपने स्वास्थ्य का भी इसके साथ साथ ध्यान रखें। सुबह तो आप सभी आवश्यक रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मंत्र जाप या पूजा पाठ जरूर से करते होंगे, लड्डू गोपाल की भी सेवा करते होंगे अत्यधिक सुबह। परंतु शाम के समय देखिए, शास्त्र प्रमाण कहता है स्नान अलग अलग तरह के कहे गए हैं। जैसे कि आपने अग्नि स्नान करते हुए कई साधु संतों को देखा होगा, जो माटी स्नान करते हुए देखा होगा, और साथ ही जो भस्म स्नान, अग्नि स्नान, जल स्नान और मंत्र स्नान करते हुए देखा होगा। 16 तरह के स्नान जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। मानसिक स्नान इत्यादि भी इसमें आता है। पूर्ण रूप से तो यह चीज़ मुझे ध्यान नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सोचा है, समझा है, तो यही जाना है। तो स्नान की अलग अलग क्रिया होती है जो कि मानव धर्म को भक्ति से जोड़ने और अलग अलग तरह के सुखों को प्रदान करने में सहायक होती हैं। ऐसे में मनुष्य जो कि खासतौर पर गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम कहे गए हैं? देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, आपने देखा होगा हिमाचल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, वहाँ नियमित सुबह शाम, उत्तराखंड से खासतौर पर जहाँ पर सर्दियाँ किसी न किसी स्वरूप में -1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है, तो शाम की पूजा के क्या नियम होते हैं? देखिए, खास तौर पर जो क्षेत्र में वास करता है, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, मैंने इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, पाया है, पढ़ा है, सुना है अपने बड़े बूढ़ों से, तो यही बात मैं समझ के सोच करके ही आपको बता रही हूँ। शाम के समय स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साफ स्वच्छ मन से आप सभी, घर में कोई करने वाला नहीं है, आप स्वयं जो है सुबह के समय में भी किसी कारण से स्नान नहीं कर पाते हैं सर्दी में, देखिए तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बात हो जाए, तो इससे अच्छा है स्वयं की सुरक्षा करते हुए प्रभु भक्ति की जाए। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखते हुए, अपने गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए प्रभु भक्ति करें। बेवजह ही कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे तो भगवान जी भी इससे परेशान होंगे। जिस तरह से कहा जाता है, भक्त भगवान जी से हैं, भगवान जी भक्त से हैं, तो ऐसी स्थिति में शाम के समय आप सभी विशेष तौर पर स्नान की आवश्यकता नहीं है। मन में भाव करें कि मैं स्नान कर रही हूँ, और आप सभी आवश्यक रूप से संभव हो तो कपड़े बदल लीजिए। कपड़े बदलने में असमर्थ हैं तो आप जल का छींटन करें, हाथ पैर धो लीजिए। कुल्ला करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, जो कि श्रीहरि विष्णु का विशेष मंत्र और नाम कहा गया है, उसका स्मरण ध्यान करते हुए कुल्ला करें, हाथ पैर धोएं, और ख़ास तौर पर जल के छींटे शरीर पर कुछ मात्रा में डालकर आप सभी शाम को स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूर्ण रूप से भगवान जी की भक्ति करें, दीप प्रज्वलित भी कर सकती हैं, लड्डू गोपाल को आपके स्वरूप में पूजती हैं, वह भगवान जी हैं, इस बात का ध्यान रखें। भले ही आप उन्हें पुत्र स्वरूप में पूजती हैं, उन्हें भोग समर्पित करें, सभी देवी देवताओं के निवृत्त दीप दान करें, पूजन पाठन भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कपड़े तो आप सभी प्रयत्न करें कि जरूर से चेंज करें, एक अलग से साड़ी या धोती या कोई गाउन या कोई कपड़ा अलग से रख लीजिए। थोड़ी देर की बात है, जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर कपड़े बदल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए, अत्यधिक श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। किसी कारण से आप सभी नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु नियमित पूजा आप सभी नहीं छोड़ें। भगवान जी हमारे घर पर साक्षात स्वरूप में भगवान जी विराजमान हैं, उन्हें आप भोग लगाएं, उनके आगे दीप प्रज्वलित करें। नियमित जो पूजा की प्रक्रिया होती है, सुबह चढ़ाए हुए फूल फल पत्ती इत्यादि अलग करें, पूर्ण पूजा करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके मन और निर्मल जो है भाव हैं वह भगवान जी देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी जूठे बेर
जो है माता सबरी के खाली थे, आप सभी जानते होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी उत्तम भाव से पूजन करें, पाठन करें। भगवान जी सब देखते हैं आपकी परिस्थिति कैसी है, आप किस स्वरूप में है, आप कौन सी दुख बीमारी से परेशान हैं, आप कहाँ तक प्रभु भक्ति कर रहे हैं, आपका मन कैसा है, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं। एक निर्मल निश्चल भाव से आप सभी पूजा करें। आप प्रयत्नशील हैं प्रभु भक्ति करने के लिए, यही पर्याप्त है। किसी तरह से मन में शंका न लाएं। आप अपने भाव से पूजा कर रहे हैं, सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं। पूजा को कठिन नहीं करें, किसी भी मंत्र जाप को बहुत अधिक कठिन नहीं करें, किसी विशेष नियम को बहुत अधिक कठिन करने का प्रयत्न न करें। साधारण सरल तरीके से अपने भगवान जी को माता पिता स्वरूप में, अपने घनिष्ठ मित्र के स्वरूप में, अपने भाई के स्वरूप में पूजना प्रारंभ करें। फिर देखिए आपको कैसा प्रेम जागृत होगा, उनसे कैसी भावनाएं जागृत होगी। माता रानी का जो स्वरूप है, साक्षात आपको उसमें माता का स्वरूप दिखाई देता हुआ, उनकी आंखें बोलती हुई, इनकी जिभ्या आपसे बात करती हुई दिखाई देगी। विश्वास करें, यह सत्य बात है। कोई डरने की दिक्कत नहीं है। शाम को स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं। आप मंत्र जाप करना चाहते हैं साधारण सरल तरीके से भाव से, तो करें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जरूर से स्नान करें, सुबह आवश्यक है स्नान करना। देखिए रति क्रिया इत्यादि होती है, संभोग इत्यादि, तो आप सभी को आवश्यक रूप से बाल धोने चाहिए। कोशिश करें बाल न धोने की स्थिति में आप सभी स्नान इत्यादि कर कर ही मंदिर में जाए, किचन में जाए, यह नियम सर्वोपरि कहा गया है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही पूजा करना आवश्यक है। कम से कम बाल तो कोशिश करें धोएं, न धो पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, कहें कि हे महादेव, हे माता रानी, आप सब जानती हैं कि स्वरूप में मैं हूँ और मेरा परिवार है। आप ही हैं जो हमारे दुख सुख के जो है रक्षक हैं, परिवार के रक्षक हैं, कर्ता धर्ता हैं, और आप सब जानते हैं मैं सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा करती हूँ, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करती हूँ। छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो मन में किसी तरह से संकित न लाएं। मासिक धर्म के 5वें दिन से बाल धोकर पूर्ण रूप से पूजा पाठ किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी तरह से संकित ना हो, कोई भूल चूक हो, कोई चीज़ आप कमी बेसी होती है तो उसके लिए भी अपने आप को जो है कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बस पूजन करें, मानव सेवा करने का कहीं ना कहीं प्रयत्न करें। ओंकार के रूप में महादेव माता रानी प्रत्येक मानव के तन मन में और मन मस्तिष्क में आत्मा रूपी प्राण रूप में विद्यमान है, तो कहीं भी किसी भी तरह से चिंतित ना हो, कभी किसी का मन ना दुखाए। बस सरल सी पूजा करें, सरल नियम अपने लिए निर्धारित करें। कठिन नियम इन गृहस्थ जन को लिए, हम सभी के लिए बहुत कठिन काम है। छोटे छोटे सरल से नियम को भी अपने आचरण को शुद्ध कर आप प्रभु भक्ति कर सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्वरूप में महादेव, किसी भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है। भगवान ने आपको जिसके स्वरूप में के लिए रूप चुन रखा है, सबसे पहले उन दायित्वों का निर्वाह करें। अपने घर परिवार, आप एक उत्तम संतान को जन्म दिए हैं तो उनको पूर्ण रूप से पालन पोषण में आपके दिन होना चाहिए। धन अर्जन में सही स्वरूप में उसका पूजन का जो है विधान, अर्थात कहने का अर्थ है धन अर्जन जो गृहस्थ भौतिक जीवन के कर्म है उनका निर्वाह करें और सरल सी भक्ति करने का प्रयत्न करें। इस तरह जानकारी थी, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय माता दी।